डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे तू अमेरिका जा रहा है? मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? मुझे कुछ बनना था, बनना था किसी की तरह। कौन सा डायलॉग बना ब्रांड्स और मीमर्स का मेन मटेरियल? क्या है फिल्म का एज कास्टिंग इशू? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीगैट स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मच अवेटेड फिल्म मानी जा रही है, इस फिल्म ने साल की शुरुआत से ही काफी बस क्रिएट कर रखा है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में इस फिल्म का ट्रेलर को रिलीज किया गया। ट्रेलर तो व्यूअर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उन्हें इस ट्रेलर से भर भर के मीम मटेरियल जरूर मिल गया। पहले आमिर और करीना कपूर खान का 18 साल की उम्र का किरदार निभाना, फिर मिस्टर खान का सेम पॉप डाई एक्सप्रेशन जो उनकी पिछली कई फिल्मों में देखने को मिल रहा है, और अब इस फिल्म का एक और डायलॉग भी मीमर्स और यहाँ तक की ब्रांड्स के लिए भी मीम मटेरियल का काम कर रहा है। आप सबने ट्रेलर में ये डायलॉग तो सुना ही होगा। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट भले ही भर जाए मन नहीं भरता। इसी डायलॉग पर जमकर मीम्स बन रहे हैं और ये सबको खूब पसंद भी आ रहे हैं। अब किसी न किसी तरीके से मिस्टर खान की फिल्म सुर्खियां बटोर ही रही है, तो देखना होगा कि डांसर को इन सब से कोई फायदा होता है कि नहीं। कुछ व्यूअर्स फिल्म मेकर से नाराज दिखे। व्यूअर्स मोना सिंह को फिल्म में आमिर खान की माँ का रोल करने में सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मोना सिंह इस सुपरस्टार से 17 साल छोटी हैं, वो उन्हें विग और मेकअप लगाकर कैसे माँ का रोल करवा सकते हैं। उनका कहना है कि मोना सिंह को लेने के बजाय आप किसी ओल्ड एक्ट्रेस को भी तो ले सकते थे। अब देखना होगा कि क्या होता है इस पर फिल्म मेकर्स का रिएक्शन। जैसा भी होगा हम आपको इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो इसका डायरेक्शन अजय चंदन ने किया है। मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर खान, नागा चैतन्य और मोना सिंह शामिल हैं। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या है आपकी व्यूज फिल्म में एज कास्टिंग इशू पर। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीगैट स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।